गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 की केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे थे और उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो कि आज हम लोग करवा देते हैं और उसके बाद अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसी में न्यूमेरिकल भी कुछ कर लेंगे और उसके साथ साथ फिर हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक था वो, चलो देखते हैं। स्टार यो मिट्री ठीक है, स्टार क्यो मिट्री, इसी को अगर हम लोग हिंदी में और देखें तो इसी को हम लोग कहते हैं रस समीकरण मिति, ठीक है, रस समीकरण मिति। और इसी को अगर इंग्लिश में देखें तो क्या बोलेंगे, स्टाय क्योमिट्री, अर्थात STOICHEMET मिट्री, ICK स्टाइकियोमेट्री। और इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये जान लीजिए आप लोगों कि जब कोई, मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, इसकी परिभाषा है जब कोई यौगिक अपने शुरुआत में होता है तो उसे रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो होगा हमारा, इसी को मैं दूसरे शब्दों में देख रहा हूँ, उसमें होगा कि जब कोई यौगिक, मतलब यौगिक के सभी तत्व नहीं घटक लिखते हैं, घटक तत्व यौगिक के सभी घटक तत्व उसी अनुपात में रहते हैं, उसी अनुपात में होते हैं या रहते हैं जैसा कि उसके सूत्र में होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्टाइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति कहते हैं।
स्टाइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लोग का कि जब कोई इसकी परिभाषा क्या हो गई, स्टाइकियोमेट्री, और उसी को हम लोग रस समीकरण मिति भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो इसका स्टाइकियोमेट्री ही होगा। और इसमें इसकी परिभाषा जब हम लोग देखेंगे तो जब कोई यौगिक अपनी शुरुआत में होता है, जब कोई यौगिक अपनी शुरुआत में होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। यौगिक के सभी घटक तत्व उसी अनुपात में रहते हैं कि जिस अनुपात में उसमें उसके सूत्र में होते हैं। ठीक है, तो उसमें सब लोग इसको, जैसे कि हम लोग ने देखा कि यौगिक के सभी घटक तत्व क्या होते हैं, उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में उनका सूत्र बना होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं स्टाइकियोमेट्री या रस मिट्री कहते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखते हैं, दो चार प्रश्न देख लेते हैं और इसी के साथ में हमारे लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, चलिए इसके उदाहरण देखते हैं रफ करके। इसमें मैं सवाल लेता हूँ, जैसे प्रश्न है मेरा, क्या है कि 10 ग्राम मेथेन में 10 ग्राम मेथेन के लिखिएगा के दहन से 10 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पादित 10 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पादित जल जो किस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में यानी कि वाष्प फॉर्म में रहेगा, तो उसका क्या होगा यहाँ पे कि 10 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पादित जल जो कि वाष्प मतलब गैस फॉर्म में रहेगा की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, ये हमारे लोग का प्रश्न है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे या हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या क्या है। अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि मीथेन गैस, तो मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए कि मीथेन गैस को हम लोग CH4 कहते हैं, और ये दहन हो रही है। अगर दहन होगी, कोई भी तत्व होगा उसको जलाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, नहीं O2 की। ठीक है, तो जब इसको हम लोग दहन करेंगे तो होगा क्या, इसमें देखिए ये दहन हुआ, इसको हम लोग जब दहन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ में इसको दहन करेंगे तो ये क्रिया करके क्या बना देगा आपको, ये बना देगा CO2। क्या बना देगा ये आपको, बना देगा CO2 और प्लस जल H2O। अब क्या ये संतुलित है, देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन जो है एक है, यहाँ पे भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो ही है, तो हम इसमें अगर दो है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, दो से गुणा कर देते हैं, मतलब इसको एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो एक और हाइड्रोजन ले लेंगे तो एक और जल के अणु ले लेंगे तो हमारे लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा ना। यह देखिए हाइड्रोजन
चार, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब लेकिन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे, चार हो गया, यहाँ पे दो ही दिख रहा है, तो हम इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, मेथेन हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ देखिए C11 ये चार है, यहाँ पे भी चार है, ऑक्सीजन भी चार है, तो यहाँ पे दो ये है और दो ये है। तो इससे हमको पता चल गया कि ये क्या है हमारा, ये है रिएक्शन, रिएक्शन ठीक है, हमको ये रिएक्शन मिल गया, हमको क्या मिल गया यहाँ पे, यहाँ पे हमको ये रिएक्शन मिल गया। अब इस रिएक्शन में हमको पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है मेथेन की गैस, मेथेन के दहन से उत्पादित जल की मात्रा ज्ञात कीजिए, मात्रा की गणना कीजिए, जो कि हमारा जो जल है वो वाष्प फॉर्म में है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे सबसे पहले अणु भार और इसमें निकालेंगे द्रव्यमान। तो अणु भार को हम लोग क्या क्या देख लेते हैं, M1 से डोनेट कर देते हैं, और जो हमारा लोग का भार होगा, द्रव्यमान होगा, उसको Y1 या Y2 से प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें हम लोग का देख रहे हैं कि मेथेन का पहले पूछ रहा है ना, क्या क्या देख रहा है, इसमें हम लोग टिक ले लेते हैं कौन कौन सा देख रहा है। इस एक इसका देख रहा है मेथेन का, और एक आपका जल का पूछ रहा है, यही दो चीज़ पूछ रहा है ना, जिसमें जल की मात्रा पूछ रहा है। तो जल का जब पूछ रहा है तो किसके क्रिया में होने पे है, मीथेन के दहन होने से जब जल आपको प्राप्त होगा वाष्पीकरण के द्वारा, तो उसमें हम लोगों को दिखा जाएगा कि कौन सा कितना मात्रा है जल का। तो इसमें हम लोग इसका पहले इसका निकालते हैं, मीथेन का निकालेंगे। तो मीथेन का होता क्या है, मीथेन में क्या क्या उपस्थित है, आप दिख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का जैसा कि हम लोग बताए थे 6, 12 यही बताए थे ना, कितना होता है इसका क्रमांक 6 होता है, उसका परमाणु भार 12 होता है, यही होता है ना। और यहाँ पे हमारे लोग का एक और है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, 1 होता है। ये दोनों चीज़ हम लोगों को ज्ञात होनी चाहिए, नहीं ये दोनों चीज़ हमको ज्ञात होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर इधर आए और इसमें देखें तो हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को 1, 1 बोलते हैं, जो कि उधर भी हम लोगों ने देख लिया अभी। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितना होता है 8 और 16 यही होता है ना। तो ये दोनों हो गए, अब इसको भी हम लोग एक, ये हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए, जो कि हम लोगों को अगर के बारे में पूरा आवर्त सारणी के बारे में पूरा बताऊंगा इसका, और उसमें पूरे के पूरे सभी तत्वों के बारे में डिटेल से दिया जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा एक वीडियो, तो उसमें जो है ये सारे तत्व आपको लिखे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका, अब इसको देखते हैं M1 से इसका मेथेन के लिए M1 W1 का उपयोग कर लेंगे, और जो जल है उसके लिए हम लोग करेंगे M2 और W2 का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मेथेन गैस, तो यहाँ पे मेथेन गैस के लिए जो इसका क्या है M1 यानी अणु भार है, तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे कि C कितना है, C का क्या कितना है, C होगा, C का जो है अणु भार कितना है, C का अणु भार यहाँ पे देखिए 12 दिख रहा है ना, तो C का हम अणु भार देख लेते हैं, सीधा सीधा आता है कार्बन है, तो C का मतलब 12 हो गया, और प्लस करेंगे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है अणु भार 1 होता है, तो 1 × 4 है ना, यहाँ पे 4 है ना, इसलिए हम लोग इसको 4 कर देते हैं। अब इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 12, और ये देखो ये 4 × 4 हो गया और ये 12, यानी कि हमको ये क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया कि ये 16 हमारा है, ठीक है, 12 और 4 = 16 है ना, यहाँ गुणित में लगा हुआ 1 × 4 = 4 ही होता है, और 12 × 4 जोड़ दिया गया 16 हो गया। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इसका मेथेन का जो अणु भार है, यानी कि इसको अणु भार लिख देते हैं हमें, अणु भार जिसको M1 से प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है, वो हमारा है 16, ठीक है 16 है। अब इसी में अगर जल का देख लेते हैं अणु भार क्या होता है, तो जल का अणु भार के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 2 इधर है 2 इधर है 4 है, तो यहाँ पे 1 × 4 कर देंगे ना, 1 × 4 कर देंगे, और साथ में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 16 कर देंगे, ठीक है।
लेकिन 16 में एक ही नहीं है, यहाँ पे दो है, तो इसलिए इसको दो से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 16 दूनी 32, और 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको लोगों मिल गया 32 4 36। फिर से देख लेते हैं, 16 दूनी 32, 32 में 4 चार एक कम 4, 16 दूनी 32, 4 एक कम 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 32 और 4 कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका भी अणुभार मिल गया, ये अणुभार इसका मिल गया ना, ये क्या है अणुभार। ठीक, M1 से M2 से डोनेट कर रहा है जल के लिए, और मेथेन के लिए M1 से डोनेट कर रहा है। अब इसका वेट जो दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है कितना ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका वेट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10 ग्राम, ब्लू जो है वो कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। और पूछ रहा है कि जल की मात्रा गणना, जल की जो जल जो है वाष्प फॉर्म में है उसकी मात्रा ज्ञात करना है, तो जल का हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सूत्र पे लिखते हैं, हमारे लोग का सूत्र होता है एक जो कि आपको याद करना होगा, कि होता है W1 upon W2 इक्वल M1 upon M2, या इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं किस तरीके से, कि M1 upon M2 इक्वल W1 upon W2। अब ये W1 W2 होता क्या है, तो W1 और W2 क्या होता है, M1 M2 क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि अणुभार को M1 और M2 से डोनेट कर रहा है, W को हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान या भार बोलते हैं। ठीक है, W2 जो है हमारे लोग का यहाँ पे क्या है, भार या वेट है उसका, तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए। अब इसमें देखिए कि क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोग इसकी क्या लिख देते हैं, मात्रा लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग ये भी वेट मिला है ना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये हमारे लोग का सूत्र है, इसको याद करना अनिवार्य है, अगर नहीं याद करेंगे तो आपका ये सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया, और इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि W1 का मान क्या है, तो W1 का मान यहाँ पे कितना है, 10 ग्राम है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10 ग्राम, ग्राम को हम नहीं लिखते हैं, वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे W2 का मान कितना है, तो W2 का मान हमको ज्ञात करना है, मान लीजिए वो क्या है, एक्स है या वाई है, कुछ भी लिख दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे अपॉन एक्स लिख देते हैं, यही होगा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे M1 का मान रखते हैं, तो M1 का मान जो ये हम लोगों ने निकाला हुआ है 16 है, तो यहाँ पे 16 हो गया, और यहाँ पे जो है M2 का मान कितना है, 36 है, तो अपॉन 36 हो गया, यही हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अब इसमें हम लोग x का मान निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इधर गुणित में कर देंगे, तो ये इधर गुणित में आ जाएगा, इधर त्रियक गुणा करना हम लोग जानते ही हैं कि ये त्रियक गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा हो जाएगा। अब त्रियक गुणा जब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x, और यहाँ पे होगा ये 16x हो गया, और यहाँ पे हो गया 360, यही हुआ। अब ये 360 हुआ और यहाँ पे 16x है, तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर ये जो गुणित में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 360 upon 16। अब इसको 16 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, काटते हैं इसको पहले, हम छोटा सरल करते हैं, तो ये होगा, देखिए 2 से काटते हैं 8 हो गया, यहाँ पे काटते हैं तो 2 1 2 2 8 16 और 0 ये आ गया, इसको और काटते हैं ये 4 से, तो यहाँ पे 2 से काटते हैं इसको, तो 2 4 8 हो गया ना, 2 4 8 हो गया, और ये 90 हो गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं 9 9 2 देखिए हमको मिला कुछ 90 upon 4। ठीक है, अब 90 upon 4 जब मिला है, तो 4 1 4 2 8 4 2 8 एक बचा, 10 हुआ, 4 2 8 फिर आया, यहाँ पे देखिए एक बचा ना, 4 2 8 हो गया, एक बचा 10 हो गया, 4 2 8 फिर से 8 हो गया, अब कितना बचा, यहाँ पे अब कितना बचा, 2 बचा, अब पॉइंट लगा दिए, अब 2 का हम 2 में 0 बढ़ा दिए, 4 5 20 हो जाएगा ना, यही तो 22.5 ये आया।
अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा भाग, चार से चार में 90 से भाग देंगे तो चार एक कम, चार दूनी आठ हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा वन, दस, चार दूनी आठ, ये दो, दो इससे कम है इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं, और यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, चार पंचे 20, ये आ गया ना, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको क्या मिला, 22.5, ये 22.5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः जल का द्रव्यमान, जल का कौन सा द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान जल का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, हमको प्राप्त हो गया है यहाँ पे 22.5 ग्राम, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका वेट ग्राम में रखा गया था इसलिए ये भी ग्राम में आ गया, ग्राम होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो हम लोगों को जैसे कि इसमें पता चल गया कि मीथेन में के दहन के बाद जो जल की मात्रा होगा कितना होगा, वो होगा हमारा ये, ये होगा ना 22.5 ग्राम, तो ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि अगर देखें कि इसमें जब पूछ लेगा कि ये जल का पूछ लिया था अभी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब उसके बारे में भी देख लेते हैं, हम लोग किस में देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब हम लोग जल को छोड़ देते हैं और अब देखते हैं उसी सवाल पे, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 का, तो CO2 का जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, सेम टू सेम प्रक्रियाएँ होंगी लेकिन इनका जो है जो अणु भार वगैरह होगा वो चेंज हो जाएगा ना, अणु भार चेंज हो जाएगा, वेट तो वेट को भी मैं चेंज करता हूँ, रुकिए, एक दूसरा सवाल हम रखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि मीथेन जो है उसका ग्राम है 32 ग्राम है, कितना है 32 ग्राम, 36 लीजिए, 32 ग्राम है, 32 ग्राम मीथेन को दहन करने पे जो होगा उत्पन्न CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा, ऑक्साइड की मात्रा की गणना कीजिए, की मात्रा की गणना कीजिए। तो जब इसमें आ गया तो हम लोग जैसा कि अभी निकाले थे, यहाँ पे हम लोग निकाले थे नहीं कि रिएक्शन निकाले थे, कौन सा रिएक्शन इसके तहत में आएगा, तो रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन था, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देते हैं रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन रिएक्शन है आपका CH4। अब जानते ही हैं कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, और मीथेन के साथ में किसके साथ क्रिया कर रहा है, दहन कर रहा है, तो दहन कभी भी कोई भी चीज़ करेगा तो किससे करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, मतलब O2 से, और उसके साथ में जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO2 प्लस जल, यही बनेगा ना, अभी हम लोग पिछले वाले में देख भी लिए थे। और इसको संतुलित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन की मात्रा 1 है, यहाँ पे
हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, यहाँ पे 2 ही था तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब लेकिन ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 है का मतलब है कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, कोई भी ना रहे तो वहाँ पे 1 रहता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा देखेंगे हम लोग तो 2 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए कि यहाँ पे इसका 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 लिखा ही है तो 2 × 4 हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 2 ही दिख रहा था तो हम लोग 2 से गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग इसका अणुभार निकालेंगे किसका, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मीथेन, ये मीथेन और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये हो गया मेरा और मीथेन मतलब ये हो गया मेरा। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 चीज़ है। तो कार्बन का होता है 6 × 12, ये होता है हम लोग जिसकी कहते हैं उसके तत्व का जो है उसका अणु क्रमांक और उसका अणुभार दोनों चीज़ देखते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है H11 होता है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका होता है 8 × 12, यही होता ना, हाँ यही होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इसको एक कोष्टक में रख लेते हैं, क्योंकि ये हमको लोगों को याद होना चाहिए, ये दिया नहीं रहेगा कहीं पे। ठीक है, ये कहीं पे दिया नहीं रहेगा, हमको ये चीज़ याद होना चाहिए कि कार्बन का कितना होता है, तो 6 × 12 होता है, कार्बन का क्रमांक 6 और उसका जो भार होगा वो 12 होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, मतलब उसका क्रमांक भी 1 होता है, उसका भार भी 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 4 × 8 = 12 होता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि उसका क्रमांक 8 होता है, उसका भार जो होता है 12 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन, तो कार्बन वो तो रखा हुआ है ना। तो अब इसमें हम लोग इसमें निकालते हैं, जैसा कि हम लोग देखे थे अणुभार, अणुभार तो अणुभार हम लोगों ने देखा मीथेन का जो है CH4 का जो है कितना कितना निकला था, अभी अभी कुछ देर पहले निकाले थे तो इसमें निकला था हमारा 16 ना, 16 निकला था। और अणुभार को हम लोग डोनेट किससे करते हैं, तो अणुभार को हम लोग M1 से डोनेट करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M1 किससे डोनेट करेंगे, M1 से। ठीक है, मीथेन को, अरे मीथेन को M1 से इसका अणुभार डोनेट करेंगे। और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार जो होगा M2 से डोनेट करेंगे, M2 से। अब M2 से जब डोनेट कर रहा है तो M2 बराबर होगा क्या है, मतलब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो पूछ रहा है। तो कार्बन को हम लोग जानते हैं कि 12 है ना, और प्लस इसका ऑक्सीजन का कितना है, 12 होता। अरे यार गलत लिख दिया क्या यहाँ पर, मैंने बताया भी नहीं किसी ने, चलो कोई नहीं, 16 होता है। ठीक है, इसका जो भार होता है 16 होता है, 16 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, 16 होता है तो यहाँ पे 16 हम लिख देते हैं, 16 × 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 × 2 = 32 और 12 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 × 12, 16 × 2 = 32 और 12 कितना हो गया, लिख लेते हैं 16 × 2 = 32 + 12, इसको ऐड करेंगे तो हमारा लोग का होगा 4 और यहाँ पे 4 = 44, ये हो गया ना, इसका अणुभार निकल गया हमको। तो हमारा ये क्या हो गया, अणुभार जो निकल गया 44 निकल गया इसका। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है, 12 नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ये भी एक चीज़ ये भी जान रखिएगा कि कभी भी उसका कोई भी तत्व होगा उसका जो क्रमांक होगा उसके लगभग 2 गुने से ज़्यादा ही इसका भार होगा, ये चीज़ आप जानते रहिए, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कभी भार को कम नहीं करना है। ठीक है, ये और इसके बाद हम लोग M1 M2 निकाल लिए। अब इसमें हम लोगों को और क्या आवश्यकता पड़ती है, W1 W2 की, मतलब इसका क्या द्रव्यमान या भार की, भार बराबर W1 और भार बराबर इधर W2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा है और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है W1 जो दिया हुआ है कितना है, 32 है, W2 कितना है, 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम है और इसमें जब पूछा है तो इसी को मैं मान लेता हूँ, माना कि ये क्या है, माना ये यक्स है,
इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो W2 है, मतलब इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है वो एक्स है। अब इसको हम लोग सूत्र, हम लोग को जैसे कि सूत्र मैंने बताया था आपको, तो सूत्र क्या है, तो सूत्र यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सूत्र क्या है, W1 upon W2 इक्वल M1 upon M2। ठीक है, ये हमारे लोग का सूत्र है, तो इस सूत्र, उस सूत्र पे हम लोग रख देते हैं। ठीक, अब इसी सूत्र पे, अच्छा इस सूत्र पे हम लोग इसका मान रख देते हैं, बस हो गया, और इस पर हमारा का उत्तर पता चल जाएगा कि इसमें कितने मेथेन की, इसमें इसकी क्या हुआ था, इसकी मात्रा कितनी थी, वो चीज़ हम लोगों को इसमें पता चल जाएगा। तो अब देखिए इसमें मेथेन जो है आपका सूत्र पे लिखते हैं, M1 कितना है, अरे W1 इधर है ना, पहले W1 को कितना है, ये W1 है आपका 32 ग्राम, तो 32 upon 32 के बाद M2 क्या, W2 क्या है, W2 है आपका यक्स, इक्वल M1 कितना है, M1 यहाँ पे दिख रहा है 16, तो यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ, अपॉन यहाँ पे M2 कितना है 44, ये हो गया। अब देखिए इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कि त्रियक मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि इसका इसमें गुणा करना और इसका इसमें गुणा करना, ठीक है, या उल्टा भी कह सकते हो कि इसका इसमें गुणा करना और इसका इसमें गुणा करना। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा लोग का आएगा यहाँ पे 16x, यहाँ पे इसका करेंगे तो 16x हो जाएगा, और इसका इसका क्या कर देंगे, इक्वल करके 44 into क्या हो जाएगा 32, यही हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे गुणित में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 44 into 32 upon 60, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हम काटते हैं, 16 एक कम 16 और 16 दूनी 32, तो हम लोगों को क्या पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 हमको प्राप्त हो गया, ठीक है, यहाँ पे 44 हमको प्राप्त हो गया। अब जब 44 प्राप्त हो गया है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अतः यहाँ पे लिखेंगे, एक लास्ट लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए अतः 32 ग्राम मीथेन को दहन करने से दहन दहन कराने पर उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितना होगा, 44 ग्राम होगा, ठीक है, तो ये हमारे लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमको मात्रा कितनी मिल गई, CO2 की, CO2 की मात्रा मिल गई हमको 44 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लोग का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, रस समीकरणमिति या स्टोइकियोमेट्री। तो ये हमारे लोग का टॉपिक ख़त्म हुआ, और आज के बाद से हम लोग ये टॉपिक, पहला चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, और नेक्स्ट चैप्टर पे अगले दिन हम लोग उत्तर आएंगे, और चैप्टर जो होगा, सेकंड चैप्टर जो होगा आपका, परमाणु की संरचना। तो चलिए मित्रों, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो और जितने भी, जैसे भी आप लोगों को प्रोसेस बताया गया कि 2000 जो हमारे लोग का सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग का जो 250 या जो भी वीडियो चल रही होगी, तो उस पर हम लोग आपको इनाम रखेंगे, जो जिस पे इनाम जो रखा गया था वो था संविधान की बुक, और आपका कुछ रुपीस था, फी थी, तो उसको हम लोग ने देने का ऐलान किया था, तो वो हम लोग देंगे आपको, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।